नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। जिस अनाज को पैदा करने के लिए किसान खेतों में दिन रात पसीना बहाता है, अपने खून पसीने से फसल को सींचता है, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग उसकी 3 महीने भी रखवाली नहीं कर पाया। बरसात के पहले सीजन में ही अधिकतर गेहूँ सड़ चुका है। मामला हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा का है। FCI ने जिन 3 पलीत की रिपोर्ट तैयार की है, उससे साफ है कि गेहूं की रखवाली ठीक ढंग से नहीं की गई। नतीजन गेहूं काली पड़ गई। लापरवाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें कीड़े तक रेंग रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि गेहूं के बैग तक गल चुके हैं। मामला हाथ से निकलता देख विभाग हरकत में आ गया। बात उच्च अधिकारियों तक ना पहुंचे, इसलिए गुपचुप तरीके से गेहूं की सफाई यानी सेगीग्रेशन करवाई गई है। जबकि सेगीग्रेशन के लिए हेड ऑफिस की परमिशन लेना जरूरी होता है। इससे DFSC नरेंद्र सहरावत व पलीत की कमान संभाल रहे विभाग के सब इंस्पेक्टर प्रेम की कार्य प्रणाली संदेह के घेरे में आ गई है। मामला गरमाया तो DFSI व सब इंस्पेक्टर अपना पल्ला झाड़ने लगे। मामले की भनक लगी तो लाडवा की 3 पलीत का दौरा किया गया। हकीकत चौंकाने वाली थी। सबसे पहले टीम लक्ष्मण दास पलीत पर पहुंची। यहाँ बड़े स्तर पर गेहूँ के सेगीग्रेशन का काम जारी था। मीडिया की टीम को देखते ही मजदूरों ने काम बंद कर दिया और किनारे हो गए। यहाँ रखे गेहूं के अधिकतर बैग खराब हो चुके हैं। सेगीग्रेशन की परमिशन के सवाल पर सब इंस्पेक्टर प्रेम बगले झांकने लगे। बाद में कहा कि सेगीग्रेशन की परमिशन DFSI नरेंद्र सहरावत ने उन्हें दे दी है। DFSI का कहना है कि उन्होंने केवल खराब गेहूं को अलग करने के बारे में कहा था, सेगीग्रेशन की कोई परमिशन नहीं दी है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस पलीत पर बिना परमिशन गेहूं का सेगीग्रेशन क्यों कराया जा रहा है। लक्ष्मण पलीत पर गेहूं गाड़ी में लोड भी हो रही थी। पूछने पर मजदूरों व ड्राइवरों ने बताया कि यह गेहूं पिसाई के लिए जा रही है, यानी इस गेहूं का आटा डिपो में आएगा जिसे लोगों को खाने के लिए दिया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि इस गाड़ी में सड़ी गेहूं के बैग लोड हो रहे थे। जब मजदूरों से इसका कारण पूछा तो वह जवाब नहीं दे पाए। मतलब साफ था कि सब इंस्पेक्टर प्रेम के कहने पर ऐसा किया जा रहा था ताकि खराब गेहूं को ठिकाने लगाया जा सके। सेगीग्रेशन को विभाग की देसी भाषा में दड़ा कहा जाता है। इसमें गेहूं की सफाई कर साफ अनाज को अलग किया जाता है, लेकिन यह बिना परमिशन के नहीं हो सकता। इसके लिए हेड ऑफिस से ही अनुमति लेनी पड़ती है। परमिशन से पहले जांच होती है कि अनाज का स्टॉक कब लगाया गया था, इससे खराब होने की वजह क्या है। कहीं पलीत पर तैनात अधिकारी की वजह से तो ऐसा नहीं हुआ। 3 महीने पहले लगे स्टॉक के सेगीग्रेशन की परमिशन का मतलब है कि लापरवाही बड़े स्तर पर हुई है, इसलिए इसकी परमिशन आसानी से नहीं मिलती। मतलब साफ है कि विभागीय जांच से बचने के लिए ही लाडवा में गुपचुप तरीके से बिना अनुमति गेहूं की सफाई करवाई जा रही है, जबकि विभाग के रिकॉर्ड में यह दर्ज नहीं होगी। FCI की रिपोर्ट में बताया गया है कि लाडवा की लक्ष्मण दास पलीत पर गेहूं के 21 चैक हैं। यहां अधिकतर गेहूं खराब हो चुका है। मुकुंद राइस मिल पलीत में 52 चैक है, जबकि लाडवा की ही प्रेम पलीत पर गेहूं के 122 चैक लगे हैं, यानी कुल 195 चैक। रिपोर्ट से साफ है कि गेहूं की रखवाली सही से नहीं की गई। बता दें कि एक चैक में गेहूं के 2844 बैग होते हैं। एक बैग में 50 किलो गेहूं होती है। सब इंस्पेक्टर प्रेम के अनुसार 3 पलीत पर कुल 10 लाख गेहूं के बैग इस सीजन में लगे थे, जिसमें से करीब 2.5 लाख बैग उठ चुके हैं। सब इंस्पेक्टर प्रेम के अनुसार स्टैक को ढकने के लिए उन्हें कवर ही समय पर नहीं मिले। उन्हें 3 पलीत के लिए 350 कवर की जरूरत थी, जबकि विभाग से केवल 175 कवर ही उन्हें दिए गए। मजबूरी में फटे हुए कवर से गेहूं ढकनी पड़ी। इस बार बरसात भी अधिक हुई, इसलिए गेहूं खराब हो गया। DFSI के कहने पर गेहूं का सेगीग्रेशन करवाया जा रहा है। प्रेम के इस बयान से कवर की खरीद और इसके आवंटन पर भी सवाल उठ रहे हैं। DFSI नरेंद्र सहरावत ने सेगीग्रेशन की बात पर अपना पल्ला झाड़ लिया। बोले कि उन्होंने सेगीग्रेशन के लिए नहीं कहा था कि ऐसे ही किया जा रहा है, बस खराब गेहूं के बैग अलग किए जा रहे हैं। गेहूं क्यों सड़ी, इसकी जांच के लिए कमेटी गठित करेंगे। नया माल लोड होने के बाद गड्डी में लोड हो जाए जी, उन माँ जो 50 किलो का 52 किलो का टोज पर ही मरवा का 20 किलो दाने रह जाए सिर्फ, उन माँ सारे मिले भगत होने के कारण बड़े जो अधिकारी हैं इस महकमे के वे भी फरकी मरवाओ जी, छोटे इंस्पेक्टर फरकी मरवाओ जी, जो और गड्डियों वाले आवा वे भी फरकी मारा जी। इसमें लगभग बाजे कट्टा तो जी
25 किलो का रह जाए जी, 50 मतलब 25 किलो दाने फर की मारा काट दे जी। हाँ यहाँ मतलब जी मतलब ये फिर मारना अटका यहाँ और भरने पड़ा झटका दोबारा डबल डबल करका पड़ा जी यानी कि मैं फिर ये अफसर न्यू कहा भाई घट गया माल घट गया माल घटेगा तो जब भी माल बाबू जी जब फर के मरवाओ शुरू में मतलब कि पहले ही गोल माल कर देते हैं। हाँ जी हाँ जो 50 बंदे लग रहे हैं यहाँ 400 बंदे ना फर की मारने में लावा जी। हाँ ये बंदे मतलब कि उन्हें कम भी हमारे डबल कट्टे बन जाए तो सभी बंदे लगते हैं उसमें काम करने में। हाँ जी हाँ मजबूरी आज हमारी सबकी जी मतलब हमें इनका ऑर्डर मारना पड़ा जी इस कर का अफसर अधिकारी करवाते हैं सब अधिकारी करवाते हैं जी। हाँ बिल्कुल जी। तो कौन कौन है यहाँ पर अधिकारी? एक तो जी छोटा इंस्पेक्टर प्रेमपाल बाबू है जी फिलहाल जो अजीत दलाल है जी है जी। अच्छा ये अब अब इन दोनों अब इंस्पेक्टरों की ड्यूटी थी। हाँ मतलब अजीत दलाल कुछ अभी महीने को आया जी वैसे तो यहाँ बिल्कुल भी जमी भी मारे 12 घंटे की ड्यूटी ले जा जी पेमेंट रोल हो जो पे रोल हो उस 12 घंटे की ड्यूटी पता सकता करे जा जी मारे करवाए जा। तो गोलमाल कर रहे हैं अफसर? हाँ जी हाँ बड़े अफसर से लेगा नीचे तक सब मारे मतलब मिली भगत आज ठेकेदार कर लो जी। प्राकृतिक उससे वर्षा की वजह से ज़्यादा हुआ दिक्कत वर्षा की वजह से। हाँ जी बरसात ही बहुत ज़्यादा हुई है सर बहुत ही। यहाँ खराब हुई खराब तो चलो इसको ठीक कर रहे हैं सुखा रहे हैं इसको निकलवा रहे हैं ठीक करने लग रहे हैं कुछ। टोटल कितने कट्टे खराब हुए इससे? तो तकरीबन 20-25 टैक्कों में दिक्कत है जिसमें ज़्यादा बरसात की वजह से कुछ कवर पुराने थे उसकी वजह से अब इसको ठीक भी करवा रहे हैं पूरी मेहनत कर रहे हैं भाई सरकार का कोई नुकसान ना होगा। 33 करोड़ कुछ का है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है जी सर। एफसीआई की रिपोर्ट गलत? नहीं गलत नहीं है वो चलो माना करके गए अफसर वो उनकी अपनी अपनी वो है लेकिन हम इसको पूरा कोशिश करके ठीक करवाने लग रहे हैं सरकार का कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं उसको ठीक करवाएंगे सुखा के ठीक होगी जी। नहीं वो तो चला अलग रखेंगे उसको तो बाकी जो ठीक माल है उसको सरकार को देखे अफसर आए थे इसमें देखने के लिए जो नीचे की स्तर है ना उसमें पानी लग गया था उसको ठीक करवा रहे हैं उसको ठीक करवा रहे हैं। की परमिशन आपको साहब भी आए थे एफसी का स्टाफ भी आया था मौके पर उसको ठीक करवाने के लिए तो देखो आपको करवा नहीं सकते डायरेक्ट। नहीं चलो आदेश तो मानने पड़ेंगे अफसर के ना पानी की वजह से हुआ नहीं पानी ज्यादा आ गया वर्षा का इस कारण हुआ है तो अन्न है इस दुकान को कौन खराब करेगा ऐसा नहीं ऐसा कुछ नहीं जी। नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है। तो फिर वो आपके कर्मचारी ही कह रहे हैं बस ये सर को पता नहीं को क्या बोलते हैं इसमें क्या कह सकते हैं ऐसा नहीं है ना ये देखो मान लो देखो सुखा के सारा ठीक हो जाएगा जी उसमें कोई नुकसान जो खराब हो गया वो तो चलो बाद में इसको जैसे अलग से वो खाने के लायक बचे नहीं जो जो उसको डैमेज नीचे से बरसा के से होएगा उसको तो अलग से लिख के फिर चिट्ठी भी लिखेंगे उसकी तो भी इतना खराब हो ऐसे नहीं वर्षा की वजह से बाकी जो पहले की परमिशन नहीं साहब ऊपर से आए थे भाई एफ सी का स्टाफ भी आते हैं डेली हाँ जी डी एफ एस सी साहब भी आते हैं एम एफ सी के आते हैं श्री नरेंद्र सहरावत जी भाई इसको ठीक करो ठीक करो अब इसको लेबर लगा के इसको ठीक करो और इसको निकलवाओ माल को जितना जल्दी हो सके। तो आपके लिए हाँ जी बिना परमिशन को दड़ा ना मेरे एफएसओ साहब भी है मेरे ऊपर एक इंस्पेक्टर भी हैं इंस्पेक्टर तो ऐसा कुछ नहीं कहता ना उनको कोई नहीं खराब करता जी ना ये खराब हो गया सर ये सर वर्षा की वजह से सर वर्षा की वजह से कुछ जैसे पुरानी तरपाले थी हमारे पास बोर्ड की हवा में थोड़ा सा तूफान में उसकी वजह से थोड़ा बहुत लेकिन इसको सारा ठीक करवा के हम भेजेंगे गवर्नमेंट का नुकसान नहीं होने देते सर अपनी तरफ से जितना भी होएगा भला उतना करेंगे बुरा नहीं करते। कितने कट्टे खराब तो कोई आंकड़ा लगाया हो? अभी नहीं लगाया सर इसके बारे में ना ये अभी तो ये एफएसओ साहब आएंगे वह सारा चेक करेंगे नहीं डाल रखे और पिछले पुराने कवर की वजह से ज़्यादा दिक्कत आई हमारे को सर डी एफ एस सी ऑफिस से मिलते हैं। आपको कितने कवर की जरूरत थी? हमारे को 350 कवर की जरूरत थी जिसमें से 125 और 50 175 कवर मिला है। 375 है आपका टोटल कितना स्टॉक लगा सर? 10 लाख कट्टा 10 लाख 10 लाख 10 लाख में से 2-2.5 लाख चला भी गया 10 लाख कट्टे थे। हाँ जी 2.5 लाख चला भी गया उसमें से जिसमें से आप मेरे ख्याल ये 33 करोड़ का कह रहे समथिंग खराब हो चुका खराब नहीं होता सर खराब नहीं होगा सर इसको ठीक होएगा जैसे जैसे कोई बार बार का थोड़ा सा वर्षा से ख़राब हो गया तो उसको ठीक करवा के भिजवाएंगे खराब नहीं होता सर खराब नहीं भेजते जी
खराब तो जो है उसको अलग निकलवा रहे हैं। आज वहाँ तो गाड़ी में खराब ही डाला जा रहा था सर। नहीं सर, मौके पे हमारे पास वीडियो है। नहीं चलो, उसको फिर बंदा खड़ा कर रखा है जी वहाँ पर, खराब डाल रहे थे सर, वो कह रहे थे भी उसमें जा रखा है, जा रहा है वो सर को गलती से डाल दिया। ओके सर, ऐसा नहीं है जी, वे जानबूझ के खराब हम अलग निकलवाने लग रहे हैं वहाँ भी, जो अच्छा अच्छा माल है उसको अलग उस। ये सुनने में आया कि वो नहीं सर, नहीं सर बरसात ज़्यादा हुई है, प्रैक्टिकल प्राकृतिक हुई है, इसमें किसी का जानबूझ कर नुकसान करें। हाँ जी, ना ना ऐसा नहीं है सर, लगातार बरसात हुई है, लगातार की वजह से दिक्कत आई है, ऐसा कुछ नहीं है उनसा किसी की जानबूझ कर खराब करा किसी ने, ऐसा कुछ नहीं सर। हाँ जी, रेगुलर बरसात रही है इन दिनों में, वो कुछ एक गोदाम में थोड़ा पानी भी आ गया था, उस वजह से कोई पानी पुणी मतलब साइड सुइड से कोई बस्ती से पानी भी आ गया था कहीं, तो उससे कहीं थोड़ी बहुत साइडों में लग गया होगा, बारिश इतनी कोई ख़राब वाली बात नहीं है। ऐसा है किसी कवर को फटा हुआ हो, सुराखों में से पानी बारिशों में गया होगा, कहीं फटा हुआ कोई कवर हो, ढके होते हैं, फटे हुए में से पानी जाता है और वो अंदर चला गया होगा, कहीं थोड़े बहुत होंगे, इतनी मतलब ज़्यादा बात नहीं है। तो रिपोर्ट आई थी FCI की, आई थी, मैंने भी देखा था, 122 ना ना इतना नहीं, थोड़े बहुत हैं, इतनी कोई ज़्यादा बात नहीं। हम भी मौके पर गए, मैंने भी कहा था, देखा है, बाकी मैंने स्टाफ भी लगाया है, लेबर का भी कहा है और चौकीदारों का भी कहा है, कोई बारिश आए साइड में पानी मत लगे इनको, बारिश में ढकया जाए, इसमें तो मैं देखूंगा, इस बारे में जाऊंगा, इंक्वायरी करूंगा, ड्यूटी है। हाँ, रेगुलर है रख भाई, स्टॉक को ठीक रखा जाए और बारी बारी कहता भी रहता हूँ इनको, वर्बली भी कहा है मैंने, स्टॉक को देखो खराब नहीं होने दिया जाए। थोड़े का ऐसा है कुछ, जैसे ये गेहूँ डिस्पैच होती है जी, तो थोड़ी बहुत ठंडी हो नीचे की होती है गेहूँ, उसको मतलब इकट्ठा किया जाता है, दड़ा नहीं होता, मतलब को फट गई तो उसको जरवाते हैं, डिस्पैच में नीचे की लहर काफ़ी फट जाती है, ये होते हैं फटे हुए में करते हैं, फट जाते हैं कोई ऊपर, जिस बारिश से खराब हो गया मान लो, तो उसको खोलेंगे फटेंगे वो। ऐसा ही क्लेम का कहना है कि आपने उनको परमिशन दिया था? परमिशन नहीं दी, उसमें ये कहा है भाई इनको ठीक करो, फटे हुए को अलग करो, जो मतलब खराब हो गया उनको अलग करो, था इसमें दड़ा नहीं है ये, मतलब ऐसा था जो खराब गेहूँ होगी है उसको अलग किया जा रहा है। अलग किस तरह मालूम, उसके बैग अलग कर दे, बैग अलग करो भाई, देखो उनको अंदर तो हीटअप ना होगी उसको, इसलिए अलग किया जा रहा है। आपके इंस्पेक्टर कह रहे हैं दड़ा दड़ा, परमिशन आपने दी है, आप कह रहे हैं नहीं दड़ा नहीं है ये, उनको अलग कर रहे हैं, मतलब दड़ा नहीं, इसको ये कह रहे हैं कि अलग जो खराब है उसको अलग करो, ठीक है उसको अलग करो, एक बार अलग अलग करो इनको। तो क्या आपने दड़े की परमिशन मांगी हुई? दड़े की तो मतलब ये है, अभी कहा था उनको भाई ये करो, दड़े की परमिशन लेंगे अब। तो क्या ये मान लो डायरेक्टर ऑफिस से छुपा के अंदर खाते कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात कोई नहीं, नहीं वो ये कहा है उनको छांट के दो, ऐसी नहीं, लोडिंग के टाइम उनको ये कहा साफ गेहूँ दे होता खराब, तो उनको कहा हुआ है कि खराब गेहूँ नहीं जाएगी, बड़े स्तर पे गेहूँ खराब हो गया, बहुत बड़ा ना ना इतनी नहीं है इसमें, इसमें सारी मतलब रिपोर्टरों को ठीक गेहूँ जाएगी, कोई शिकायत नहीं आने चल पड़ेंगे, मैं देख आऊँगा, इंक्वायरी भी करूँगा क्या स्टेटस, देख आऊँगा, कोई ऐसी बात है, ठीक है।
JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।